हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिग अनबॉक्सिंग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा होना चाहिए। जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं, मैं हूं एलजी के एक अपडेटेड और बेहतरीन वॉशिंग मशीन के मॉडल के साथ। तो आइए, तो चलिए इसकी बिग अनबॉक्सिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसको बिग अनबॉक्सिंग कर लिया है, अनबॉक्सिंग कर लिया है। और ये 7.5 केजी का मॉडल है और ये एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जिसके अंदर वॉशर और ड्रायर दोनों अलग अलग होते हैं। और ये पूरी ऊपर से नीचे तक हार्ड प्लास्टिक से बनी हुई है, बिल्ट इन है। और ये भी जो है, ये टफन ग्लास है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है और ये टफन ग्लास है। टफन ग्लास काफ़ी मजबूत रहता है मजबूती के मामले के अंदर। और ये अंदर से और बाहर से पूरी जो हार्ड प्लास्टिक में ये बनी हुई है। और इसका जब अगर हम इसके कलर की बात करते हैं तो ये वाइट और लाइट पर्पल कलर है जो इसका है। तो आइए इसको हम करीब से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अब इसका पूरा लुक देख सकते हैं, ये दिखने में कैसी है। ये जो लाइट पर्पल कलर है, बहुत ही जो प्यारी लुक देता है। और ये जो ग्लास है इसके ऊपर, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ये काफ़ी जो प्यारी लुक देता है वॉशिंग मशीन को। अभी हम इसको यहाँ से उठाकर हम इसको साइड में रख सकते हैं या हैंग कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये साइड में लग जाता है। उसके बाद अपने पास पूरा जो ओपन स्पेस रहता है, उसके बाद हम आराम से इजीली जो कपड़े वॉश कर सकते हैं। तो इसके कंट्रोल पैनल पे चलते हैं। सबसे पहले ये जो वाटर इनपुट का हमें ऑप्शन मिलता है, अगर आप इधर वाली साइड करेंगे तो वॉश टब में जो वाटर चला जाएगा, अगर आप इसको इधर वाली साइड करेंगे तो ये जो स्पिन टब है इसके अंदर जो पानी है वो चला जाएगा। अब हम जाते हैं इसके जो टाइमर है इसके ऊपर जाते हैं। ये जो 5 से 15 मिनट नॉर्मली एक्सटेंड होता है, उसके बाद ये 40 मिनट तक जाता है, ये सोक टाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये 5 मिनट चलता है और 5 मिनट कपड़े को सोखने देता है पानी को। तो ये तभी यूज़ होता है जैसे हम काफ़ी टाइम से 6-7 मिनट को कपड़े धोते हैं, जैसे घर के पर्दे हो गए या फिर कोई कंबल वगैरह हो गया, तो ये सोक टाइम यूज़ आता है। नॉर्मली हमें यहाँ 15 सेकेंड तक इसको यूज़ करना चाहिए। और उसके बाद ये जो नॉर्मल देख सकते हैं, उसके बाद नॉर्मल वॉश होता है जैसे डेली के कपड़ों के लिए, और ये जेंटल वॉश होता है जैसे कंबल वगैरह के कपड़ों के लिए, और ये स्ट्रॉन्ग वॉश होता है जैसे स्टफ के लिए। और उसके बाद हम देख सकते हैं ये हमें यहाँ ड्रेन सेलेक्टर मिल रहा है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो जब तक हमें कपड़े वॉश करने हैं तो इसको वॉश पर ही रखना है। और जब वॉश टब का जो पानी, जैसे 3-4 राउंड्स हमने लगा लिए और वॉश टब का पानी है जो थोड़ा गंदा हो गया, उसके बाद हम इसको ड्रेन पे कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो सारा गंदा पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद ये जो स्पिन का टाइमर हमें यहाँ मिल रहा है, ये एक्सटेंड होकर 10 मिनट तक जाता है स्पिन का टाइमर, स्पिन टब का। और उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं ये 7.5 kg का है। और जो इस मॉडल के अंदर है वो बजर है, इस मॉडल के अंदर हमें बजर भी मिल रहा है। और इसके यहाँ हम स्टिकर देख सकते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट फ्लैट अवे वॉशिंग मशीन है ये यहाँ हमें एलजी की ब्रांडिंग और ये कुछ बारकोड यहाँ मिल रहा है। और इस वॉशिंग मशीन की हमें 5 साल की वारंटी भी मिलती है। तो इसके वॉशर टब के अंदर हम देख सकते हैं जो ये स्पिनर है, और स्पिनर के ऊपर ये कुछ काफ़ी सारे हमें रोलर्स मिल जाते हैं डिफरेंट जो ये इसके अंदर साइज़ के हैं और शेप के हैं। और इसके अंदर ये जो पानी, ये जो सॉकर सारा बाहर निकालता है, ये पानी का जो आउटपुट है यहाँ है। और ये हमें यहाँ नेक मिल जाएगा, थोड़ा डिफरेंट लुक है इसके अंदर नेट का भी, और अच्छा है, मजबूत है। जो नॉर्मली दूसरा नेट आता है वो इजीली थोड़ा टूटने का डर रहता है, इसके अंदर ये अनब्रेकेबल प्लास्टिक से बना होता है, इसके कुछ नहीं होता। और ये जो ये मॉडल है, आप मेरे को पुराने मॉडल से कंपेयर भी कर सकते हैं। पुराने मॉडल्स के अंदर हमें यहाँ ये जो वाटर लेवल था ये हमें अवेलेबल नहीं था, इसके अंदर हमें वाटर लेवल अवेलेबल है जो हाई पर जाता है, मीडियम पर जाता है या फिर लो पे जाता है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं इसके स्पिन टब की, स्पिन टब की ओर जाते हैं। ये कुछ गाइड्स वगैरह दी गई हैं कंपनी की तरफ से। तो अब स्पिन टब के अंदर ये हमें कुछ पाइप्स, फीडिंग पाइप्स मिल रही है जो एक वॉशिंग मशीन के बैक साइड में लगती है, और ये दूसरी पाइप है जो लगती है वॉशिंग मशीन के वाटर इनपुट के अंदर, और ये है जो नेट है जो जो ड्रायर के ऊपर लगता है। और ये एलजी की तरफ से एक सर्फ की एरियल के साथ जो किट मिल रही है, डिटर्जेंट की किट मिल रही है, जो एक किट है वो फ्री आती है। उसके बाद हम ड्रायर का अंदर का लुक देख सकते हैं, ये काफ़ी स्मूथ है जो घूम रहा है, राउंड ले रहा है अपने। और ये काफ़ी सारे हॉल्स हैं जो पानी को सोख कर बाहर निकाल देते हैं। तो भी आप इसका लुक देख सकते हैं, ये जो काफ़ी अच्छा इसका लुक है, काफ़ी अच्छा ये दिखने में वॉशिंग मशीन है।
सो हो फ्रेंड्स आपको मेरी दी गई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और जितने भी जो मैंने आपको डेमो दिया वो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट या फिर LED प्रोडक्ट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो अगर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हैं या मेल भी आप कर सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी से पूरी सहायता करूंगा। और अब अगर इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इसकी प्राइसिंग जो ऑफलाइन मार्केट है जो रिटेल शॉप्स होती है उसके अंदर 13 से 13,500 रुपये की इसकी जो ऑफलाइन मार्केटिंग होगी मार्केटिंग इसकी जो प्राइस है 13 से 13,500 रुपये। जैसे मैं हमेशा की तरह कहता हूँ अगर इससे ज़्यादा मिले तो आपको नहीं लेना ये प्रोडक्ट, अगर इससे कम भी मिले तो आप इसको ऑफर की तरह ले सकते हैं। और इस वॉशिंग मशीन की जो है वारंटी है ये जो है 5 साल की है। पहले LG वॉशिंग मशीन की वारंटी थोड़ी कम आती थी, 2-3 साल की आती थी, और जब जो अब नए मॉडल्स आए हैं उन सभी की 5 साल की वारंटी आ रही है। और जो लगभग 6.5-7 kg से शुरू हो जाती है ये 5 साल की वारंटी। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बिग अनबॉक्स पे ऐसे बने रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।